संघ प्रमुख मोहन भागवत ने घर वापसी मुद्दे पर कहा कि जिनका धर्म परिवर्तन लालच देकर या फिर दूसरे हथकंडों से किया गया है, उनका मन परिवर्तन कर वापस धर्म में लाना ही घर वापसी है। भागवत ने कहा कि इसे गलत नहीं कहा जा सकता है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे भागवत ने ये बात कही। इस मौके पर मंच पर कई धर्मगुरु मौजूद थे। कि जो आपल्या पायावर उभा राहतो त्याची उन्नती हत्ती सरकशी सायकल चालवतो हा चमत्कारच आहे, पण ते हत्तीला शोभा देणारा कृत्य नाही। ब्रिक्स सम्मेलन में भारत को बड़ी कामयाबी मिली है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ने पर सभी देशों ने सहमति दी है। ब्रिक्स में शामिल सभी देशों ने तय किया है कि वो अपनी जमीन का इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों के लिए नहीं होने देंगे। गोवा घोषणा पत्र में ब्रिक्स देशों में आतंकवाद के खिलाफ साझा लड़ाई पर सहमति हुई है। घोषणा पत्र में आतंकवाद को पालने वाले देशों को आतंकियों जैसा ही खतरनाक बताया गया है। Our response to terrorism must, therefore, be nothing less than comprehensive, and we need to act both individually and collectively. Selective approaches to terrorists, individuals and organizations will not only be futile but also counterproductive. There must be no distinction based on artificial and self-serving grounds. आतंक के मुद्दे पर पीएम मोदी ने आज चीन को भी घेरा। गोवा में ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी ने चीन के राष्ट्रपति के सामने पाकिस्तान पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद पर दोहरा रवैया खतरनाक होगा। उनका इशारा चीन की तरफ था। दरअसल चीन जैश ए मोहम्मद के आतंकी मसूद अजहर पर यूएन की पाबंदी का विरोध कर रहा है। साथ ही आतंकियों को पालने पोसने की पाकिस्तान की नीति का चीन ने कभी खुलकर विरोध नहीं किया। Shelter, support, and sponsor such forces of violence and terror are as much a threat to us as the terrorists themselves. इससे पहले पीएम मोदी ने बिजनेस काउंसिल को संबोधित किया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर पीएम मोदी ने कहा कि हमने बुनियादी ढांचे को मजबूत किया है और व्यापार को लेकर रुकावटें दूर की। साथ ही पीएम मोदी ने ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग को भी जरूरी बताया। वहीं चीन के राष्ट्रपति ने कहा कि ग्लोबल इकोनॉमी जोखिम के दौर से गुजर रही है और ब्रिक्स देशों को अपने देश में निवेश के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। Our business communities are the strongest proponents for closer and faster commercial cooperation among BRICS. Their partnership creates wealth and value in our societies. Excellencies, in India, we have undertaken substantial reforms in the last 2 years to streamline and simplify governance, especially doing business in India. The results are clearly visible. We have transformed India into one of the most open economies in the world today. ब्रिक्स बिम्स्टेक सम्मेलन की मीटिंग को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इलाके के ग्रोथ के लिए मील का पत्थर बताया। उन्होंने कहा कि इसके जरिए लोगों का एक दूसरे से जुड़ाव होगा। आपको बता दें कि ब्रिक्स सम्मेलन के मेजबान के रूप में भारत ने पड़ोसी देशों को आउटरीच सम्मेलन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन यानी बिम्स्टेक के देश हैं भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड और श्रीलंका। ए लार्ज बास्केट ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज विद 1.25 बिलियन पीपल एंड ए कंबाइंड जीडीपी ऑफ 2.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स द कंट्रीज ऑफ बिम्स्टेक have shared aspirations for growth, development, commerce and technology. The quest for economic prosperity can shape the agenda for building economic partnership with BRICS.
कश्मीर के जकूरा हमले में शहीद हुए एसएसबी के जवान घनश्याम गुर्जर को आज आखिरी विदाई दी गई। शहीद जवान घनश्याम गुर्जर का पार्थिव शरीर जब राजस्थान के दौसा पहुंचा तो माहौल देशभक्ति के नारों से गूंज उठा। शहीद के आखिरी दर्शन के लिए हजारों लोग पहुंचे। शहीद के परिवार में मातम का माहौल है। पिता का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार का ये कहना है कि पाकिस्तान से आर पार की लड़ाई की जाए। शहीद जवान घनश्याम गुर्जर 1 जनवरी 2013 को सशस्त्र सीमा बल में शामिल हुए थे। श्रीनगर के पास जकूरा में शुक्रवार को आतंकियों ने एसएसबी की गाड़ी पर कैंप में वापस लौटते वक्त फायरिंग की थी। हमले की जिम्मेदारी अल उमर मुजाहिदीन नाम के आतंकी संगठन ने ली है। ये संगठन 90 के दशक में घाटी में सक्रिय था। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की है। अमेरिका के न्यू जर्सी में रिपब्लिकन हिंदू कोएलिशन की ओर से आयोजित कार्यक्रम में ट्रंप ने यह कहा कि अगर वो राष्ट्रपति बनते हैं तो भारतीय और हिंदू समुदाय को एक अच्छा दोस्त मिलेगा। डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति उम्मीदवार हैं। उनका मुकाबला डेमोक्रेटिक पार्टी की हिलरी क्लिंटन से है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के अरबपति कारोबारी हैं। ट्रंप की कुल संपत्ति $3.7 अरब है। ट्रंप का कई देशों में रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट है। भारत के पुणे और गुड़गांव में भी ट्रंप का कारोबार है। महिलाओं के यौन शोषण और बदसलूकी के आरोपों की वजह से डोनाल्ड ट्रंप पिछले कुछ दिनों से विवादों में घिरे हुए हैं। I look forward to working with Prime Minister Modi, who has been very energetic in reforming India's bureaucracy. Great man. I applaud him for doing so. And I look forward to doing some serious bureaucratic trimming right here in the United States. Believe me, we need it also. JDU नीतीश कुमार को राष्ट्रीय राजनीति में नरेंद्र मोदी के विकल्प के रूप में पेश कर रही है। पार्टी नीतीश कुमार को 2019 में होने वाले चुनाव के लिए प्रधानमंत्री पद का दावेदार बता रही है। बिहार के राजगीर में जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में नीतीश कुमार को औपचारिक तौर पर पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। वैसे उनके नाम का ऐलान पहले हो चुका था। बैठक में पहुंचे जेडीयू के नेताओं ने नीतीश कुमार को राष्ट्रीय राजनीति में नरेंद्र मोदी का विकल्प बताया है। बैठक में देश भर में जेडीयू के संगठन को मजबूत करने और यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी की रणनीति पर भी चर्चा हुई। इससे पहले जेडीयू पदाधिकारियों की बैठक में राजनीतिक आर्थिक और विदेश नीति के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। इस बैठक में देश में मौजूदा राजनीतिक हालात पर भी चर्चा हुई। राजगीर में जेडीयू राष्ट्रीय परिषद की बैठक में पहुंचे नेता नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बता रहे हैं। हालांकि जब यही सवाल जेडीयू के वरिष्ठ नेता और पूर्व पार्टी अध्यक्ष शरद यादव से पूछा गया तो वो बिना जवाब दिए ही चलते बने। आज जो नेता जो जुटे हैं सर जी, वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ही पीएम नरेंद्र मोदी का विकल्प हो सकते हैं। आपकी क्या राय है? आपकी क्या राय है सर? सर क्या नीतीश कुमार विकल्प हो सकते हैं पीएम मोदी के? मटेरियल है क्या पीएम मटेरियल? सर शरद जी सर, आपकी पार्टी के ही नेता कह रहे हैं। यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने लखनऊ स्थित समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर अपनी सुरक्षा के लिए तैनात अफसरों में से ज्यादातर को वहां से हटा लिया है। 15 अफसरों में से 10 को जनेश्वर मिश्र ट्रस्ट पर तैनात किया गया है। जनेश्वर मिश्र ट्रस्ट का उद्घाटन हाल ही में सीएम अखिलेश यादव ने किया था। अखिलेश के इस कदम से ये माना जा रहा है कि अब वो SP दफ्तर कम ही जाएंगे। आपको बता दें कि अखिलेश के चाचा और यूपी कैबिनेट में मंत्री शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं। लखनऊ में जनेश्वर मिश्र ट्रस्ट का जायजा लिया हमारे संवाददाता विवेक तिवारी। जनेश्वर मिश्र ट्रस्ट अब मुख्यमंत्री का अगला ठिकाना होगा और ये इस बात से भी साबित होता है कि मुख्यमंत्री की सुरक्षा में जो जवान इससे पहले समाजवादी पार्टी दफ्तर पर लगा करते थे, अब उनको सपा दफ्तर से शिफ्ट करके जनेश्वर मिश्र ट्रस्ट के दफ्तर में ले आया गया है। मैं आपको बताऊं कि कुल तकरीबन 14 या 15 सुरक्षा के जवान होते हैं जो मुख्यमंत्री की सुरक्षा में इस तरह से काम करते हैं, जिनको समाजवादी पार्टी दफ्तर पर पहले लगाया गया था, लेकिन अब उनमें से 10 सुरक्षा अधिकारियों को सपा दफ्तर से हटा करके जनेश्वर मिश्र ट्रस्ट में लगा दिया गया, यानी वहां पर अब सिर्फ 3-4 लोग ही बचेंगे। उधर समाजवादी पार्टी के अंदर चले खींचतान के बीच बलिया में शिवपाल सिंह यादव ने बड़ा बयान दिया है। शिवपाल ने कहा कि अखिलेश सरकार ने 5 साल में बहुत काम किया है। शिवपाल ने कहा कि मुलायम सरकार ने 1 लाख का बीमा दिया था, लेकिन अखिलेश की सरकार ने 5 लाख का बीमा दिया है।
शिवपाल ने कार्यकर्ताओं और नेताओं से कहा कि गलत काम मत करना और सरकार के कामकाज को लेकर आम लोगों के बीच जाना। कांग्रेस नेता रीता बहुगुणा जोशी बीजेपी का दामन थाम सकती हैं। लखनऊ कैंट से विधायक रीता बहुगुणा जोशी के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही हैं। सूत्रों के मुताबिक रीता बहुगुणा जोशी बीजेपी के टिकट पर लखनऊ कैंट सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक रीता बहुगुणा जोशी की शुक्रवार को बीजेपी के एक बड़े नेता से मुलाकात हुई थी। रीता बहुगुणा जोशी के भाई और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा चंद महीने पहले ही कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए। वाराणसी में हुई भगदड़ के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। सीएम अखिलेश यादव ने अपर जिला मजिस्ट्रेट और सिटी मजिस्ट्रेट को सस्पेंड कर दिया है। उधर वाराणसी के एसएसपी आकाश कुलड़ी का ट्रांसफर कर दिया गया है। उनकी जगह नितिन तिवारी को वाराणसी का नया एसएसपी बनाया गया है। कल जय गुरुदेव के कार्यक्रम के दौरान भगदड़ हुई थी जिसमें 25 लोगों की मौत हुई। वाराणसी में शनिवार को जय गुरुदेव के कार्यक्रम में हुए हादसे में मारे गए लोगों की प्रशासन ने सूची जारी कर दी है। प्रशासन ने हादसे में 25 लोगों की मौत की पुष्टि की है। इन 25 शवों में से 19 शव बीएचयू के पोस्टमार्टम हाउस में रखे गए हैं जबकि 6 और चंदौली के अस्पताल में हैं। उधर हादसे के बाद से लोग अपने परिजनों की तलाश में अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम हो गई है। 10 नक्सलियों को नोएडा से गिरफ्तार किया गया। शनिवार रात नोएडा के सेक्टर 49 के एक अपार्टमेंट से 6 नक्सलियों को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया। इनसे मिली जानकारी के आधार पर रात भर छापेमारी हुई जिसमें 3 और संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। बाद में एक नक्सली को वाराणसी के नजदीक चंदौली से गिरफ्तार किया गया। इनके पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए। पुलिस की गिरफ्त में आए नक्सली दिल्ली एनसीआर में एटीएम लूट अपहरण और हत्या की वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। नोएडा के फ्लैट में करीब 6 महीने से रह रहे थे। हर महीने 8,000 रुपए फ्लैट का किराया देते थे। पकड़े गए आरोपियों में से कुछ बम बनाने में एक्सपर्ट भी बताए गए हैं। जो नक्सली गिरफ्तार किए गए हैं वो बिहार और उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। उधर बिहार के 7 जिलों में हिंसा के बाद तनाव की स्थिति बरकरार है। गोपालगंज भोजपुर पूर्वी चंपारण और मधेपुरा जिले में उपद्रव के बाद प्रशासन सतर्कता बरत रहा है। एहतियात के तौर पर इंटरनेट सेवा पर रोक लगा दी गई है। इन जिलों में पथराव में कई पुलिसकर्मी और आम लोग घायल हुए हैं और 40 से ज्यादा गाड़ियों को जला दिया गया। 100 से ज्यादा लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। हिसार के अग्रोहा धाम में वार्षिक मेले के दौरान देश भर से वैश्य समाज के लोग जुटे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह इस समारोह के मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। वैश्य समाज के लोगों की मौजूदगी में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि केंद्र की सरकार महाराजा अग्रसेन के सिद्धांतों पर चल रही है। उन्होंने जीएसटी को लेकर सरकार की तारीफ की। कहा, मोदी सरकार ने व्यापारियों का सपना साकार किया। अमित शाह ने ये दावा भी किया कि 1 अप्रैल से जीएसटी लागू हो जाएगा। में सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था अगर कोई बना है तो भारत का अर्थतंत्र बनकर देश में नंबर 1 पर विराजमान है। कई सालों से बातें होती थी जीएसटी लाइए जीएसटी लाइए जीएसटी लाइए। जितने कानून कर के बारे में कम होंगे इतना व्यापार बढ़ेगा। तो सेल्स टैक्स या वेट ऑक्ट्रॉय सर्विस टैक्स और एक्साइज ड्यूटी चारों को मिलाकर जीएसटी के रूप में लाने का व्यापारियों का स्वप्न नरेंद्र मोदी सरकार ने साकार कर दिया है। समारोह की अध्यक्षता कर रहे राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने 5 गांवों को गोद लेने का ऐलान किया। वैश्य समाज की अलग अलग जातियों को एक मंच पर लाने के उद्देश्य से वार्षिक मेले का आयोजन किया गया। अग्रोहा धाम के 35वें वार्षिक मेले में वैश्य समाज की 300 से ज्यादा उपजातियां शामिल हुई। मेले में अलग अलग दलों के 33 सांसदों और देश भर के 110 विधायकों को न्यौता दिया गया। हिसार के पास आदमपुर मंडल उपमंडल में 5 गांव और 6 पंचायतें वहां हैं जी, उनको मैं लेता हूं और उनको नरेंद्र भाई मोदी के सपने के अनुसार
केवल आदर्श गांव ही नहीं बल्कि उनको स्मार्ट विलेजेस बना के आपको 1.5 वर्ष में दे देंगे। जबरन वसूली के आरोपी आम आदमी पार्टी के विधायक गुलाब सिंह ने आज सूरत के पुलिस स्टेशन में सरेंडर किया। अरविंद केजरीवाल के कार्यक्रम के सिलसिले में सूरत में मौजूद गुलाब सिंह ने उमरा पुलिस स्टेशन में सरेंडर किया। इसके बाद वहां मौजूद दिल्ली पुलिस की टीम ने गुलाब सिंह को गिरफ्तार कर लिया। गुलाब सिंह पर दिल्ली के बिंदापुर इलाके के एक बिल्डर से वसूली का आरोप है। 14 अक्टूबर को द्वारका कोर्ट ने विधायक के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। विधायक के ऑफिस में काम करने वाले 3 लोगों को पुलिस ने रंगे हाथ बिल्डर को धमकाते हुए 14 सितंबर को पकड़ा था। आरोपियों के पास से विधायक का स्टिकर लगी हुई इनोवा कार बरामद हुई। वहीं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने विधायक की गिरफ्तारी पर यह कहा है कि सरकार के इशारे पर यह सब कुछ करवाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में गैंगरेप के मामले ने तूल पकड़ लिया है। कांग्रेस ने इसकी तुलना दिल्ली के निर्भया गैंगरेप से की है। महासमुंद के बसना में 36 साल की महिला के साथ गैंगरेप किया गया। आरोप है कि 3 युवकों ने महिला को जबरदस्ती कार में बिठाया और जंगल में ले जाकर वारदात को अंजाम दिया। आरोपियों ने रेप का वीडियो भी बनाया है और इसे वायरल करने की धमकी देकर पीड़ित को चुप रहने को कहा। महिला से गैंगरेप की वारदात 11 अक्टूबर की रात को हुई थी। 14 अक्टूबर को महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने 3 आरोपियों में से 2 को गिरफ्तार कर लिया है जबकि 1 की तलाश जारी है। कहा जा रहा है कि गैंगरेप का एक आरोपी बीजेपी नेता जसबीर सिंह सलूजा का बेटा है। किसानों को राहत देने की कोशिश में मध्य प्रदेश सरकार को करोड़ों का चूना लगा है। पहले सरकार ने किसानों से 60 करोड़ में प्याज खरीदी, बाद में इस प्याज को नष्ट करने में भी 7 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े। इस तरह किसानों पर दोहरी मार पड़ी है। दरअसल मध्य प्रदेश में इस साल प्याज की बम्पर पैदावार हुई है। मई में इसके दाम 50 पैसे प्रति किलो तक पहुंच गए। रख रखाव की सुविधा नहीं होने के बावजूद सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए 60 करोड़ रुपए खर्च कर 10 लाख क्विंटल से ज्यादा प्याज खरीद ली। इस प्याज को खुले बाजार में 4 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेचने की कोशिश की गई लेकिन बिक्री हुई नहीं। आलम यह हुआ कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी PDS के तहत 1 रुपए किलो में भी प्याज लेने को कोई तैयार नहीं था, तो नतीजा ये हुआ कि गोदामों में रखे रखे ही 7 लाख क्विंटल प्याज सड़ गई और इस प्याज को नष्ट करने में सरकार की जेब से 7 करोड़ रुपए खर्च हुए। भोपाल गैस त्रासदी के करीब 34 साल बाद MP सरकार यूनियन कार्बाइड कारखाने को एक स्मारक में बदलने की योजना बना रही है। गैस राहत मंत्री विश्वास सारंग ने ऐलान किया है कि यूनियन कार्बाइड कारखाने को स्मारक बनाया जाएगा। इसके लिए MP सरकार 180 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। बत्तीस साल पहले 1984 में भोपाल के यूनियन कार्बाइड कारखाने में हुए हादसे ने हजारों लोगों की जान ले ली थी। इस हादसे में प्रभावित लोगों के दर्द को कुछ कम करने के लिए राज्य सरकार ने ये योजना बनाई है, लेकिन यहाँ सवाल ये है कि भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ित आज भी इंसाफ की जंग लड़ रहे हैं, उन्हें इंसाफ नहीं मिल पाया। यूपी के कन्नौज में बड़ा हादसा हुआ है। यहाँ मिट्टी का टीला धंसने से 4 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 2 महिलाएं और 2 बच्चे शामिल हैं। 7 लोग टीले के नीचे दबे थे जिनमें 3 लोगों को बाहर निकाला गया। कन्नौज के काशीराम कॉलोनी में यह हादसा हुआ। CM ने हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है जबकि घायलों के लिए 50-50 हजार के मुआवजे का ऐलान किया गया है। बताया जा रहा है कि मिट्टी के मकानों की पुताई के लिए टीले से मिट्टी निकाली जा रही थी, इसी दौरान ये हादसा हुआ। केदारनाथ जाने के पैदल रास्ते पर 50 नर कंकाल मिले हैं। कहा जा रहा है कि ये कंकाल 3 साल पहले की त्रासदी में मारे गए लोगों के हैं। स्थानीय लोगों ने त्रियुगी नारायण रूट पर नरकंकाल होने की जानकारी प्रशासन को दी। इसके बाद स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स और पुलिस की टीम ने जंगलों की खाक छाननी शुरू की। पैदल ट्रैक पर गौरामाई खर्क से कंकाल दिखने शुरू होते हैं और करीब 8 किलोमीटर तक के इलाके में फैले हुए हैं। फॉर्मल सेक्टर के 2 करोड़ वर्कर्स के लिए अब एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्प यानी ESIC की स्कीम को लेना जरूरी नहीं होगा। अब वर्कर्स को दूसरे हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट खरीदने का भी विकल्प मिलेगा। सरकार जल्द ही इसे लागू करने की योजना बना रही है।
मुंबई एयरपोर्ट से आने जाने वाले मुसाफिरों के लिए अगले कुछ दिन परेशानियों भरे हो सकते हैं। एयरपोर्ट के रनवे को मरम्मत के लिए कुछ घंटों तक बंद रखा जाएगा, इसके चलते एयरलाइंस की उड़ानों पर असर पड़ेगा।